जुलाना सीट से पहलवान विनेश फोगाट को टिकट मिलने के बाद हरियाणा कांग्रेस में नाराजगी नजर आ रही है। खबर है कि टिकट के कई उम्मीदवारों ने फोगाट को लेकर आयोजित कार्यक्रम से दूरी बना ली। साथ ही टिकट वितरण को लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। हाल ही में फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई थी, उनके साथ पहलवान बजरंग पुनिया ने भी पार्टी का दामन थाम लिया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट पर एक चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। फोगाट के सम्मान में बख्ता खेड़ा गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जुलाना सीट से टिकट के कई दावेदार नेता कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन कई नेता शामिल नहीं हुए। इन नेताओं में परमिंदर सिंह धुल, धर्मेंद्र धुल और रोहित दलाल समेत कई नाम शामिल थे। कथित तौर पर ये नेता फोगाट को जुलाना सीट से उतारे जाने से नाराज हैं। स्थानीय नेताओं को लग रहा है कि उनके काम को नज़रअंदाज किया गया और बाहर को लाया गया। हालांकि इस दौरान टिकट के कुछ दावेदार रहे नेता कार्यक्रम का हिस्सा बने। कहा जा रहा है कि फोगाट के कार्यक्रम में बेहद कम लोग शामिल हुए। कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद वो पहली बार ससुराल पहुंची थी। उन्होंने पौली गांव से रोड शो किया जो रोहतक दिल्ली हाईवे पर आता है। हाईवे जुलाना से बख्ताखेड़ा गांव से गुजरता है। यहां फोगाट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान सोमवीर राठी से शादी की है। फोगाट ने टिकट मिलने पर कांग्रेस के खासतौर से प्रियंका गांधी का आभार जताया। उन्होंने कहा, जब मैं कुश्ती छोड़ने के बारे में सोच रही थी तब प्रियंका जी ने मुझे उम्मीद नहीं छोड़ने के लिए कहा। उनकी बातों ने मुझे प्रेरणा दी। मैं जीतूं या हार जाऊं, लेकिन हमेशा आपकी सेवा करूंगी। मेरा सपना गांव में रहने का है। हरियाणा में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने AICC मुख्यालय के बाहर रविवार को विरोध प्रदर्शन किया और पार्टी में बाहरी लोगों के बजाय स्थानीय नेताओं को वरीयता देने जाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिए जाने पर नाराजगी जताने के लिए प्रदर्शन किया। अधिकतर प्रदर्शनकारी हरियाणा के भवानी खेड़ा से थे और उन्होंने बाहरी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं करेंगे की तख्तियां थाम रखी थी। पटौदी क्षेत्र में कुछ उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि पार्टी के नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख उद्भान की बेटी और दामाद को टिकट दिया जा रहा है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई, फोगाट को जुलाना और राज्य इकाई के प्रमुख उदय भान को होडल सीट से उम्मीदवार बनाया गया। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।